पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कासगंज में सट्टा माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई और 51 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में माफियाओं की खैर नहीं है। सरकार लगातार अपराधियों पर अपना चाबुक चला रही है। जुर्म करोगे तो भुगतोगे वाली रणनीति पर काम जारी है, यानी अगर अपराध किया तो कार्रवाई होना तय है। कासगंज में सट्टा माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एक बार फिर खाकी ने बड़ा एक्शन लिया और मोहम्मद शाहिद उर्फ गुड्डू की श्यामत आनी तय हो गई है। माफिया के 51 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। गुड्डू ने सारी संपत्ति गलत और अपराध के जरिए अर्जित की थी, जिसका अब हिसाब होना शुरू हो गया है। कासगंज पुलिस द्वारा संगठित रूप से गैंग के रूप में जुए सट्टे का काम करने वाला एक अपराधी, जिसका नाम शाहिद उर्फ गुड्डू पुत्र सिद्दीक है, जो कि जय राम कॉलोनी जनपद कासगंज का रहने वाला है, उसकी अपराध से अर्जित लगभग 51 लाख की संपत्ति 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की गई है। ये कार्रवाई इस पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 441/23 गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। उत्तर प्रदेश में जुर्म को भुगतना ही पड़ता है। गुंडों, दबंगों और अपराधियों का हिसाब भी पुख्ता किया जाता है और ये सिलसिला योगी सरकार में लगातार जारी है। टी न्यूज़ स्टेट। We'll be right back.